नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ बुलंदशहर कंट्रोल रूम में तैनात दरोगा जावेद अली पर अतरौली की युवती ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एसएसपी को लिखित शिकायत दी है। युवती का आरोपी के दरोगा जावेद अली पहले से विवाहित रहते, खुद को अविवाहित बताकर उसके साथ रिश्ते बनाए और निकाह किया। अब तीसरी के साथ निकाह कर उसके साथ रह रहा है। एसएसपी कालानिधि नैथानी ने बुलंदशहर एसएसपी को शिकायत भेजकर कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया है। युवती का कहना है कि वह एनजीओ से जुड़ी है, शहर में उसका कार्यालय है। इस बीच फेसबुक के जरिए उसकी बुलंदशहर में तैनात दरोगा से दोस्ती हो गई। इस दौरान दरोगा ने खुद को अविवाहित बताकर शादी का प्रस्ताव रख दिया। युवती का कहना है उसने दरोगा को अपनी सहेली की शादी में बुलाया। आरोप है कि शादी वाले घर में विरोध के बाद भी यह कहकर दरोगा ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए कि शादी करनी है तो कि दिक्कत किस बात की। युवती का कहना है मैंने बुलाया, शादी में आया था, शादी के बाद ये गया खाना खाने, हम लोग गए खाना खाने के बाद आके तकरीबन साढ़े पाँच बज रहे थे तो ये मेरे ऑफिस में आया, तो मैंने इसको बाहर खड़ा कर दिया था क्योंकि मैं चेंज करने गई ऑफिस में। तो ये बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वॉशरूम के बहाने से ये ऑफिस में आ गया। ऑफिस में आने के बाद में इसने मेरे साथ में ज़बरदस्ती की, काफ़ी रोई चिल्लाई। मैंने इनको बोला कि आप ऐसा क्यों करें, तो बोले हमारी शादी होने वाली है, शादी क्यों करी है, ऐसा थोड़ी है। तो इसके बाद ये मुझे बुलंदशहर लेके जाने लगे, कई बार गाड़ी में बिठा के शिप्रा होटल पड़ता उसके आसपास एक होटल है वहाँ लेके जाने लगे। फिर वही मतलब कंटिन्यू वही चलता रहा ज़बरदस्ती वाला। मैं बार बार कहती हूँ निकल क्यों नहीं कर रहे, निकल क्यों नहीं कर रहे, तो कह रहे ठीक है निकल। कितनी शादी करी सर उसने? टोटल 3 शादियाँ करी।